बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स को देखने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? बेसिकली RCOOH जो वो चीनें हैं वो तो हम ऑलरेडी देख के आए हुए हैं, ठीक है। तो उस पर जो है वो हम अब नहीं जाएंगे, वो AS में हम देख के आ चुके हैं। सबसे पहली बात जो आज की लेक्चर में करनी है हमने, वो एक क्वेश्चन लिखिएगा आप मेरे साथ, वो है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन जो है ये सबसे पहले जो है वो हम आंसर करेंगे। इसमें देखिएगा कि मैं जो हूँ वो एक बनाता हूँ। देखिए ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OOH है, ठीक है, एथेनोइक एसिड बनाया है। इसकी जो है वो हमने डिसोसिएशन करवाई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। वी से दैट दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बारे में हम जब लिखते हैं ना, तो हम ये लिखते हैं कि देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो OH बॉन्ड को वो वीक कर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर सारे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो वीक हो जाएगा, ठीक है। और OH बॉन्ड जो है ना उसने टूट जाना है, ठीक है। जब OH बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव जो है वो दे देगा, लूज कर देगा, और O नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं, देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि कार्बोनाइल is electron withdrawing group, so it weakens the OH bond. Once the OH bond is weakened, अच्छा अब जो है वो हम कहते हैं कि OH बॉन्ड क्या हो गया है, वीक हो गया है। तो अब हम ये कहते हैं कि अब क्या होगा कि देखिए ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है, O है, O है, और यहाँ पे O नेगेटिव था, ठीक है। अब हुआ ही क्या, होगा क्या कि देखें होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ना ये ऊपर को शिफ्ट होना शुरू, ऊपर को शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके इसके पास शिफ्ट करेगा, ताकि नेगेटिव चार्ज से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर सके, ठीक है। उसके बाद जो इट्स नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कहते हैं जो होगा, वो होगा कि आपके पास है CH3 C O नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। और इसके पास जो लोन पेयर थे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड को दे देगा, देना शुरू करेगा, और ये बॉन्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू कर देगा। तो इसका जो सारा का सारा हमारे पास
बनता है ना, इस सारी मैकेनिज्म का अगर मैं कहूं कि मैं खुलासा लिखूं, ठीक है, तो वो मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे आपके पास CH3CO है, O है, ठीक है, एंड यू हैव नेगेटिव चार्ज ओवरऑल, इस सारे पे आपके पास जो है वो तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, एंड द नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द थ्री एटम्स, ठीक है, समझ आ गई। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कार्बन जो है, इधर देखिए, कार्बन जो है, इधर देख, कार्बन जो है उसके पास डबल बॉन्ड था ओ के साथ, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर शिफ्ट करेगा, ये इसके पास लोन पेयर था और नेगेटिव चार्ज था क्योंकि इसने जो है वो ऊपर ऊपर पे ऊपर यहाँ पे इसने CH3 CO नेगेटिव एच पॉजिटिव लूज कर दिया, ठीक है, तो ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने के चक्कर में पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले के पास लोन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज, वो अपना वापस इलेक्ट्रॉन नीचे देने को शुरू करेगा ताकि वो अपना डबल बॉन्ड वापस गेन कर ले, अपना बना सके, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा ताकि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कर सके, ठीक है, तो इस सारे में हम ये कहते हैं कि नीचे का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसको लिख दिया, और मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन थ्री एटम्स, ठीक है, अब इसी जो ऊपर हमने यहाँ पे कहानी लिखनी शुरू की थी इसको कंटिन्यू करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सो इट वीकेंस द ओएच बॉन्ड, वंस द ओएच बॉन्ड इज ब्रोकन, ये उसके नीचे जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि ओएच बॉन्ड की जो है वो कैसे ब्रोकन, नेगेटिव चार्ज उसके आगे कंटिन्यू है, नेगेटिव चार्ज इन दी कार्बोक्सिलेट इज स्प्रेड आउट, ठीक है, ये जो बिल्कुल ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्प्रेड आउट, ओ स्प्रेड आउट ओवर दी होल COO नेगेटिव ग्रुप, ठीक है, द बॉन्ड लेंथ, एक बात से याद रखनी है कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अन इक्वल, Therefore, it will not gain the proton readily, ठीक है, तो ये जो है वो इसका रीजन है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, ये रीजन। मैं एक दफा इसको एंड पे दोबारा समझा देता हूँ कि देखें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और OH की भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो OH का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, जब OH का बॉन्ड वीक होगा नेगेटिव चार्ज इन द कार्बोक्सिलिक स्प्रेड कार्बोक्सिलेट इज स्प्रेड आउट, ठीक है, वो पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज है तीन एटम्स के दरमियान स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, अब जबकि बॉन्ड ठीक है और वो सी ओ ओ नेगेटिव बना देगा, ठीक है, और उससे जो है वो सारे पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो वो किसी एक के ऊपर तो नहीं है, वो सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज ओवरऑल आ गया,
ठीक है, वो ये नहीं है कि वो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है या एक कार्बन पे नेगेटिव है, वो सब पे है ओवरऑल। तो उसके लिए जो है वो प्रोटॉन गेन करना और रेडिली प्रोटॉन गेन करना जो है इट विल बी हार्ड फॉर इट। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो प्रोटॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, अगली चीज जो हमारे पास आती है ना वो ये है कि अगर मैं जो हूँ वो इसके साथ कोई हेलोजन एल्केन हेलोजन लगा दूँ, ठीक है, या ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और हेलोजन भी हो, हेलोजन और एल्केन भी हो, तो उसको जो है वो हम किस तरह करेंगे, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर जो है वो हमारे पास किस तरह आएगा। देखिएगा आपके पास, मेरे पास जो है वो यहाँ पे है एथेनॉइक एसिड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एथेनॉइक एसिड का CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसके बाद मेरे पास है मोनो क्लोरो एथेनॉइक एसिड, यहां पे आपका Cl C C डबल बॉन्ड O ओ एच एच एच। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ स्ट्रक्चर को जरा ओपन करके बनाऊँ, ताकि आपके लिए जो है वो मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मेरे पास है वो है डाई क्लोरो एथेनोइक एसिड, Cl C H, दो Cl लगा दी, C डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, अंडरस्टूड, तो ये है आपके पास बन गया। अब सबसे पहले जो है वो एथेनोइक एसिड को देखना है आपने। ठीक है, एथेनोइक एसिड में जो आपके पास ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो CO2H जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ओके, तो ये जो है ये हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एस ए वीक एसिड। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH बॉन्ड जो है वो ठीक है, उसको वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH बॉन्ड में बहुत स्ट्रांग होगा और इजीली टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से वो एक एसिड एक अच्छा एसिड नहीं है। अलबत्ता जब मैंने मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड लगाया, जब मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है कि जो OH बॉन्ड है वो वीक होता है। ठीक है, और फिर डाइक्लोरो ईथेन जब एक और क्लोरीन ऐड हो गया, तो उसने तो फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचा इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन खींचा इस तरफ, उसने तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि दो क्लोरीन, वो तो और स्ट्रांग हो गया ना, OH बॉन्ड उसने और वीक कर दिया और चार्ज डेंसिटी जो ऑक्सीजन एटम पे थी वो बढ़ गई, तो वो तो फिर प्रोटॉन रेडिली गेन नहीं करेगा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, मैं अभी इसको लिखवाता भी हूँ। अगर आपके पास ट्राइक्लोरो इथेन आ जाता है तो वो इससे भी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा और चार्ज डेंसिटी बढ़ाता रहे, कम करता रहेगा। ठीक है, तो
इसको अब लिखिएगा मेरे साथ। पहला पॉइंट लिखना है आपने कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ग्रुप ग्रुप इन डाइक्लोरो एथेनॉइक एसिड बोथ द सीएल बॉन्ड बोथ द सीएल वीकन्स द ओ एच बॉन्ड। दूसरी बात इन ट्राइक्लोरो सॉरी इन डाइक्लोरो इन डाइक्लोरो एथेनॉइक एसिड एसिड बोथ क्लोरीन्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस द चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। देयरफॉर It will not gain the proton readily, ठीक है। अब तो देखिए डाइक्लोरो एथेनॉइक एसिड जो है ठीक है, इसकी तरफ अगर मैं आता हूं तो मैं कहता हूं कि जब ये डिसोसिएट होगा ठीक है, तो इसने क्या बनाना है, इसने यहाँ पे सीएल बनाएगा सी एच बनाएगा सी एल बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव बनाएगा। ये जो ओ नेगेटिव है ना ये बढ़ता जाएगा, इसका चार्ज डेंसिटी जो है ना वो इसकी बढ़ती जाएगी ठीक है, इस ओ नेगेटिव की, तो वो जो है वो फिर प्रोटॉन जो है वो रेडिली गेन नहीं करेगा।